सब्सक्राइब करें मोर अजी लाइव पेज को और साथ में आए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे पाए नोटिफिकेशन सबसे पहले वीडियो देखने के लिए और हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिले सबसे पहले। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त राजेश मौर्या और आप देख रहे हैं मौर्या जी लाइव टच। तो दोस्तों, आज वीडियो में आप लोगों को पेशल नर्सकों के लिए जो हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था FAQ मैंने पढ़ा था, उसमें का फर्स्ट पेज पढ़ा था और फर्स्ट पेज के बारे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था और उसके बारे में बताया था। दोस्तों, आज मैं उसका सेकेंड पेज पढ़ूंगा और उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देखिए रेड कलर जो बटन है इसको दबाइए और साथ में आए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपको तुरंत हो जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी को वीडियो टॉपिक आपके लोग देख सकते हैं, आपको यहाँ पर वीडियो टॉपिक मिल जाएगा। हमारे चैनल पर किस प्रकार के कौन कौन से टॉपिक के वीडियो मिलते हैं, गैजेट्स रिव्यू अनबॉक्सिंग का है, कंप्यूटर में कोई कंप्यूटर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है, मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स दिए जाते हैं, इंटरनेट टेक एक्सप्लेन, हाउ टू ट्यूटोरियल्स, ब्लॉगिंग, MLM न्यूज यानी चिटफंड कंपनियों के बारे में, सभी कंपनियों के बारे में इन्फॉर्मेशन इस एक ही प्लेटफॉर्म आप सभी को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए मैं चाहता हूँ कि फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए दोस्त, शुरू करता हूँ, शुरू देखते हैं यहाँ पर। दोस्तों, पहले हम चलते हैं अपने FAQ पर, जो मैंने उस दिन डाउनलोड किया था, आप लोगों को दिखाया था। ये है FAQ, आप इसको सीधा ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पर ओपन होने के बाद मैंने आप लोगों को फर्स्ट पेज यानी कि इसका जो यहाँ पर दिख रहा है, इसका हम लोगों ने आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया था। अब पेज नंबर जो आता है, सेकंड आता है, इसमें देखिए दोस्त, यहाँ पर क्या पूछा गया है, पांचवा क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जा करके फर्स्ट पेज की पूरी के पूरा इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, दावे संबंधी आवेदन फार्म में डाली जाने वाली दावे की रकम की गणना कैसे करें। क्या निवेशक परिपक्वता मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम को दावे की रकम के रूप में डाल सकता है। तो बहुत से दोस्त पूछते हैं कि सर, वहां पे जो रकम है वहां पे कैसे डालना है। तो दोस्तों, कंपनी ने खुद आप लोगों को बताया कि आपकी रकम आपको कैसे डालनी है। तो चलिए दोस्त, यहाँ पर उसका आंसर देख लेते हैं। किसी एक PSA रजिस्ट्रेशन नंबर के संबंध में किए गए भुगतान की सभी बकाया रसीदों पर जितनी रकम लिखी हुई हो उनको जोड़ने पर निकलने वाली कुल रकम ही दावे की रकम है। निवेशक द्वारा दावे संबंधी आवेदन फार्म में इस प्रकार डाली जाने वाली दावे की रकम के समर्थन में PSL द्वारा PSL रजिस्ट्रेशन नंबर के संबंध में जारी किए गए प्रमाण पत्र की स्कैन की प्रत के साथ साथ भुगतान की बकाया रसीदों की स्कैन की हुई प्रति यह अपलोड करनी होगी। और अधिक स्पष्टता के लिए कृपया ध्यान धन वापसी रिफंड के संबंध में तैयार किया हुआ वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा जिन मूल दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रति अपलोड की जाए वे मूल दस्तावेज निवेशक अपने पास रखें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पर मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम दावे की रकम नहीं होगी। तो कंपनी का कहने का मतलब यह है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, मान लीजिए आपके पास एक बॉन्ड है जिसका नंबर 1 है, तो उसमें जितने आपको रसीद मिली हैं एक ही बॉन्ड के साथ जितनी भी रसीद मिली हुई हैं उन सभी एक रसीद में आप ये बॉन्ड देख लीजिए कि कितना उसका धन उसमें कितनी राशि है, तो उसी हिसाब से जितने रसीद हैं सभी को मल्टीप्लाई उतने से कर दीजिएगा और कुल जितना जोड़ने पर आएगा उतना ही निकाल लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 रसीद हैं और एक रसीद मान लीजिए एक रसीद में राशि है 100 रुपये और हमारे पास 5 रसीद है, तो 100 × 5 यानी कि 500 रुपये कुल दावे में जो भुगतान है उसमें आप उसको डालकर सबमिट कर सकते हैं और सभी दस्तावेज को स्कैन करके उसमें अपलोड कर देनी होगी। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि निवेशक के पास कोई रसीद ना हो या उसके पास केवल कुछ ही रसीदें हों या केवल अंतिम वाली रसीद ही
या उसके पास बांड प्रमाण पत्र ना हो तो भी क्या वह धन वापसी रिफंड हेतु दावा प्रस्तुत कर सकता है? ऐसे मामले में दावे की रकम कितनी मानी जाएगी? फिलहाल समिति खोए हुए बांड प्रमाण पत्रों और या रसीदों के संबंध में भुगतान करने पर विचार नहीं कर रही है। यानी कि कंपनी कह रही है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो कंपनी आपको पैसे नहीं देगी, सीधा सा उनका फंडा है। अगर जितना आप उनके पास डॉक्यूमेंट भेजोगे, फिर वेरीफाई करने के बाद वे आपको पैसा देंगे। जितना उनके पास प्रमाण यानी उनके पास जितनी आपकी रसीदें एंड बांड जाएंगी उतना ही उतने का ही आपको भुगतान होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। यदि मूल दस्तावेज बांड प्रमाण पत्र और या रसीदें पीएसएल को सौंप दिए हों और निवेशक के पास केवल पीएसएल द्वारा जारी किया गया एक्नॉलेजमेंट ही हो तो वह ऐसे में धन वापसी रिफंड हेतु तो आवेदन कर सकता है क्या? धन वापसी रिफंड हेतु तो आवेदन करते समय पीएसएल के प्रमाण पत्र के बजाय ऐसे एक्नॉलेजमेंट नंबर की पर्ची अपलोड की जा सकती है? यदि निवेशक ने पीएसएल के संपास समस्त दस्तावेज जमा करके पीएसएल द्वारा पीएसएल लिमिटेड से कर्ज लिया हो तो ऐसी स्थिति में वह धन वापसी रिफंड हेतु तो आवेदन कैसे करे? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जिन दोस्तों के पास मूल बांड या दस्तावेज पहले से ही कंपनी में जमा हो तो वे लोग आवेदन कर सकते हैं, या फिर जिन दोस्तों का पीएसएल द्वारा जारी किया गया एक्नॉलेजमेंट नंबर ही उनके पास हो तो वे लोग क्या आवेदन इसके लिए कर सकते हैं या नहीं? तो चलिए दोस्त, कंपनी ने इसका क्या आंसर दिया है जाइए देखते हैं। दावे संबंधी आवेदन प्राप्त करने की मौजूदा प्रक्रिया में यह जरूरी है कि दावे संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने वाले निवेशक के पास मूल बांड प्रमाण पत्र और किए गए भुगतान की मूल बकाया रसीद रसीदें हों और साथ ही वह बांड प्रमाण पत्र की स्कैन की हुई प्रति के साथ साथ बकाया रसीद रसीदों की स्कैन की हुई प्रतियां भी अपलोड करें। तदनुसार दावे संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने के लिए यह जरूरी है कि निवेशक उपरोक्त दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें और संबंध मूल दस्तावेज अपने पास रखें। और अधिक स्पष्टता के लिए कृपया धन वापसी रिफंड के संबंध में तैयार किया हुआ वीडियो देखें। फिलहाल समिति पीएसएल द्वारा जारी किए गए किसी एक्नॉलेजमेंट के आधार पर भुगतान करने पर विचार नहीं कर रही। तो यहाँ पर कंपनी आपसे बोल रही है कि आप लोग दावे यानी कि दावे संबंध के आवेदन प्राप्त करने के लिए मौजूदा जो प्रक्रिया यानी कि इस प्रक्रिया में यह जरूरी है कि आपके पास मूल बांड प्रमाण पत्र हो और वह भुगतान की मूल बकाया रसीदें भी हों और साथ ही वह बांड प्रमाण पत्र की स्कैन करी हुई प्रतियां साथ साथ बकाया रसीदें यानी इन सभी का स्कैन करो। स्कैन करने के बाद इन सभी की एक एक प्रतियां को अपलोड करनी होगी और अपलोड करने के बाद आप लोग उन सभी दस्तावेज को कहीं और ऐसी जगह मत रखिए रखेगा कि जिससे वो आपको ना मिले। आप उसको संभाल कर रखिएगा जब तक आप लोगों के पास आपका पैसा नहीं मिल जाता कंपनी। इसलिए आप लोगों को बार बार यही बात करें कि सभी दस्तावेज को खोइए मत। दस्तावेज जब तक आपके पास है तब तक समझाओ आपका पैसा आपके पास है, नहीं तो नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अधिक से अधिक कितनी रसीदें अपलोड की जा सकती हैं? बहुत से दोस्त कमेंट करके, सर हमारे पास बहुत सारी रसीद है उसमें से कितनी रसीद अपलोड कर सकते हैं कितनी नहीं। तो दोस्तों कंपनी ने बताया कि इसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तदनुसार आप उन सभी रसीदों को अपलोड कर सकते हैं जो किसी एक पीएसए रजिस्ट्रेशन नंबर के संबंध में बकाया हो, फिर चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो। यानी कंपनी कह रही है कि एक निर्धारित पीएसए रजिस्ट्रेशन नंबर के संबंध में, मान लीजिए एक रजिस्ट्रेशन पीएसए रजिस्ट्रेशन नंबर एक के 100-200 रसीदें हैं तो आप उन सभी रसीदों को एक साथ अपलोड कर सकते हैं, उसमें एक इधर उधर नहीं करना है, कंपनी यही कहना है। अगला क्वेश्चन है, क्या पीएसएल के मामले से संबंधित धन वापसी रिफंड हेतु तो आवेदन कागजी रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है? क्योंकि तो इसका आंसर है, इसका जो सीधा फंडा है कि क्या धन वापसी रिफंड है तो आवेदन कागजी रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका कंपनी ने इसका आंसर दिया है,
क्योंकि यह प्रक्रिया काफी व्यापक है, इसलिए दावे संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने की मौजूदा प्रक्रिया को डिजिटल ही रखा गया है। तदनुसार मौजूदा प्रक्रिया के तहत कोई भी आवेदन कागजी रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यानी कि आप लोग पीएसएल जो आवेदन होगा उसकी धन वापसी उसको यानी कि फार्म भर के कंपनी भेजना, ऐसा नहीं है। इसका कहने का मतलब ये, इसका कहने का मतलब है कि आप लोग डिजिटल है, यानी कि आप इसको कहीं भर पे कहीं पर भी आप ऑनलाइन इसको आवेदन करा सकते हैं। आवेदन कराने के बाद ही आपको इसका भुगतान होगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो निवेशक पहली प्रक्रिया जिसके तहत 2500 तक के बकाया मूल धन के संबंध में धन वापसी की गई थी, रिफंड किया गया था के दौरान दस्तावेज अपलोड कर पाए थे और अपने दावे संबंधी आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाए थे, क्या वे निवेशक भी मौजूदा प्रक्रिया के तहत फिर से आवेदन कर सकते हैं? तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि 2500 रुपये तक के जो बकाया मूलधन थे उन सभी दोस्तों ने पहले जो आवेदन कर रहे थे, बहुत दोस्तों का हो पाया था, बहुत दोस्तों का नहीं हो पाया था, तो क्या वे सभी लोग भी आवेदन कर सकते हैं? तो इसका क्वेश्चन ये था, जो आंसर इसका है जी हाँ। यदि आप पिछली प्रक्रिया के दौरान अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाए थे तो आप मौजूदा प्रक्रिया के तहत अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, बशर्ते कि आप बांड प्रमाण पत्र की स्कैन की हुई प्रति के साथ साथ बकाया रसीदों की स्कैन की हुई प्रतियां भी अपलोड करें। आपके पास मूल बांड का प्रमाण पत्र तथा किए गए भुगतान की मूल बकाया राशि बकाया मूल रसीदें भी हों। तो इसका आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप आवेदन कर सकते हैं, आप भले ही आपका 2500 से कम हो या फिर 2500 से ऊपर हो। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या किसी देश का कोई निवेशक पैन कार्ड के बदले दूसरे देश के पहचान एवं पते के सबूत प्रस्तुत करके धन वापसी रिफंड हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है? साथ ही क्या कोई निवेशक पैन कार्ड के बदले आधार कार्ड प्रस्तुत कर सकता है? जी नहीं। इसका आंसर है कि जी नहीं, दावे संबंधी आवेदन के साथ ही वही दस्तावेजी पर सबूत प्रस्तुत करने होंगे जो निर्धारित किए गए हैं ताकि वह आवेदन स्वीकार हो सके। तदनुसार जो भी दस्तावेजी सबूत निर्धारित किए गए हैं उनके अलावा किसी भी अन्य दस्तावेजों को सबूत पर विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे कंपनी कहा कि अगर पैन कार्ड बोला गया पैन कार्ड ही लिया जाएगा, वहाँ पर आधार कार्ड नहीं सबमिट करना होगा, नहीं तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं होगा और रिजेक्ट हो जाएगा, जिससे आपको पैसा मिलना नहीं असंभव है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्या कोई निवेशक रद्द किए हुए चेक बैंकर के प्रमाण पत्र के बदले बैंक की पासबुक के पहले पृष्ठ की स्कैन की हुई प्रति अपलोड कर सकता है? तो इसका आंसर है, यदि निवेशक के पास चेकबुक ना हो तो वे निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार बैंकर से प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। विकल्प के तौर पर निवेशक बैंक की पासबुक का पहला पृष्ठ फ्रंट पेज और वह पृष्ठ अपलोड कर सकता है जिस पर निवेशक का नाम, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड लिखा हुआ हो। जो जी हाँ दोस्तों, आप सबसे आसान तरीका है कि आप अपना पासबुक का फ्रंट पेज ही लगा सकते हैं जिसमें आपका नाम लिखा हो और बैंक खाता लिखा हो और आईएफएससी कोड हो, बस इतना ही काफ़ी है आपको भुगतान रिफंड करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन है, यदि यह एरर मैसेज आए कि हमारे रिकॉर्ड के अनुसार पीएसएल का यह नंबर मौजूद नहीं है तो ऐसे में क्या करें? इसका क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, बहुत से दोस्तों का यहाँ पे ये क्वेश्चन जो आता है, यदि यह एरर मैसेज आए कि हमारे रिकॉर्ड के अनुसार पीएसएल का यह नंबर मौजूद नहीं है तो ऐसे में क्या करें? तो दोस्तों ये आंसर जो है, इसका आंसर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ, क्योंकि ये पेज नंबर 3 में जा रहा है और वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है। तो दोस्तों जिन दोस्तों का ये प्रॉब्लम है फटाक से वो इंतजार करते रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो आप लोग मुझे भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और ये वीडियो पर अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, ट्विटर एंड फेसबुक पर शेयर करके सभी दोस्तों को सूचित करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।